अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू बिनतीसई किचन एंड लाइफ फ्रेंड्स आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सब का दिन खुशियों भरा गुजारे जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे आमीन फ्रेंड्स आज बहुत सारे कमेंट्स हैं जिनका मैंने जवाब भी दिया कुछ का मैं अपनी वीडियो में मैंने कहा था मैं आपको क्लियरली जवाब दूँगी तो आज मैं अपने साथ काम भी करूँगी और आपको आपके कमेंट्स का जवाब भी दे दूँगी और एक एक रेसिपी है बहुत ही यमी क्योंकि मेरी बहनों ने कहा है कि लंच में या सफ़र में जाएं तो कोई सब्जी की रेसिपी ऐसी दो कि हम लोग वो कैरी कर सकें तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और और भी एक दो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी सबसे पहले मैं अपनी एक बहन का कमेंट का जवाब दूँ कि उसने मुझे कहा है कि मेजिकल ऑयल में मैंने बालजर बूटी का पाउडर डाल लिया है तो सिस्टर देखिए मैंने आपको चार से पाँच दफ़ा कमेंट का रिप्लाई दिया था कि आप पाउडर यूज़ नहीं कर सकते सकती देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो क्रीमी और मुलायम होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो खुरदरी होती हैं तो ये जो बालजड़ बूटी है ना इसके फ़ायदे बहुत है अगर आप इसी तरह इसको यूज़ करें तो तो लेकिन अगर हम इसका पाउडर कहीं चीज़ों में इस्तेमाल होता होगा जहाँ इसकी और ज़रूरत होगी लेकिन जब हम ऑयल बना रहे हैं ना तो उसमें बालजड़ बूटी का पाउडर नहीं यूज़ होगा क्योंकि ये धरदरा सा होता है और इसको पीसने के बाद भी जैसे बजरी या रेत होती है ना इस टाइप का ये हो जाता है तो इसलिए इसको जिस फॉर्म में ये मिलता है उसी फॉर्म में हमें डालना होता है और उसी तरह निकालना होता है अब अगर आपने पिसा हुआ डाल लिया अब आप जब ऑयल डालोगे एक तो वो जल्दी जल जाएगा सब रेमिडियों से पहले वो जल जाएगा फिर जितना भी आप एहतियात कर लो फिर उसके बाद आप जब उसको लगाओगे तो वो आपके सर में कितनी इरीटेशन करेगा तो आप देखिएगा अगर आपको सूट कर जाए उसको आप मलमल के कपड़े में छान लीजिएगा आप ज़ाहिर है ऑयल आपने बना लिया है अगर आपको इरीटेशन करे तो आप फिर दोबारा से ऑयल बना लीजिए गा बालजड़ बूटी यूं ही साबुत डालकर और उसके अलावा ऑयल से ही एक मेरी बहन ने कहा था कि मैं मैं मेथी दाना भिगोना भूल गई मैंने सिर्फ तीन घंटे भिगोया था तो अब मैं क्या करूँ कोई बात नहीं आप तीन घंटे भिगोया है बस आप टेंशन फ्री होके इस, इसी के साथ रेमेडी बनाएँ इन बहुत बेहतर होगा और एक और मेरी सिस्टर ने मुझे कहा था कि जो मेरी एज पैंतीस साल है तो मेरे दाने बहुत निकल रहे हैं और मेरी बेटी है उसके भी निकल रहे हैं तो देखो आपको मैंने पहले भी बताया था जो पुदीना होता है ना सबसे सिंपल और इतना अच्छी रेमेडी बना लें या इसका ड्रिंक है, समझ लें जो भी तो इसको पुदीने को आपने दो कप पानी में या दो गिलास में आपने डालना है तो उसके बाद एक मुट्ठी के करीब और जब वो एक गिलास रह जाए तो आप उसे रोजाना पी लें अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ी सी अजवाइन भी डाल सकते हैं वो भी बहुत अच्छी है लेकिन आप पहले पुदीने से शुरू करें तो और आपके दाने फौरी तौर पर जाए और आपने दिन में दो से तीन दफ़ा जो भी आपको फेस वाश साबुन यूज कर रही हूं उससे आप मुंह धोएं और फौरन आपके दाने बहुत बेहतर हो जाएंगे फिर उसके बाद आपको ही ना वो क्रीमें और ये तो वो याद है कम से कम दो से तीन हफ्ते आप पुदीने का ही पानी पिएं इसके बाद मेरी एक बहन ने कहा था कि मेहंदी रेमेडी में आपने कोस्ट कब यूज करना है किया है या करना है तो आप देखें वीडियो गौर से देखा करें ताकि आपको समझ आए क्योंकि मैं जितना क्लियर मैं बताती हूं और दिखाती हूं ना चीजें मैं कहती हूं कोई भी इस तरह कि सबको समझ आता है बीच में जिन को नहीं समझ आता तो उनके लिए मैं हाज़िर हूँ मैं बताती हूँ आपने जब मेहंदी अपने सर पे अप्लाई कर ली जो मैंने रेमेडी बनाई है जब आ जाती है बारी लेंथ की तो उसमें आपने कस्ट्रॉल को मिक्स करना है और फिर आपने लगाना है फिर आप उसका फ़ायदा खुद ही देखिएगा ठीक है और कुछ मेरी बहनों ने मुझसे नंबर वग़ैरह मांगा है कि वह हमें आपसे बात करेंगे देखिए कुछ से आप यकीन करें दूसरी कंट्रीज़ की दो तीन ए, मेरी बहनें जिनसे मैं इंस्टाग्राम पर बात करती हूँ तो आप भी मेरी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करें मैं वहाँ पर आपके हर कमेंट और बात का जवाब दूँगी और बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट है कि मैं लाइव आकर ऑयल बना के दिखाऊँ कुछ को समझ आ रहा है कुछ को नहीं तो इन ये मैं जो कर सकती हूँ वो मैं आपके लिए करूँगी मैं कोशिश पूरी करूँगी कि लाइव आके ऑयल बना के आपको दिखाऊँ और उसके बाद मेरी कुछ बहनें कह रही थी आपने ये पूछा कहाँ से लिया ये मैंने इम्तियाज़ सुपर स्टोर से लिया और फरनाइल का पूछ रही थी तो ये देखे मैं आम लोकल फ़रनाइल यूज़ करती हूँ जिसमें एंटीसेप्टिक हो और अच्छी खुशबू हो मैं वही फ़रनाइल यूज़ कर लेती हूँ हमेशा बदल बदल के आप भी इसी तरह करें कोई एक कंपनी की लेने की ज़रूरत नहीं है बदल बदल के ले बस ये देख लें कि उसमें एंटीसेप्टिक लिक्विड डला हुआ हो और ये मेरा जो मॉप है ये इतना यूज़िबल है इतना बहुत अच्छा बस इन्वेस्टमेंट करें तो एहतियात से यूज़ करें तो अब ये मेरे पास तीन साढ़े तीन साल से है बहुत अच्छा मैं यूज़ कर रही हूँ और ये देखें फ़र्श भी इतना क्लीन होता है मेरी बहने कह रही थी कि फ़र्श फ़्रेश मैंने पहले भी बताया था कि मैं हफ़्ते में दो बार पोछा जब लगता है उसमें ब्लीच डालती हूँ रोज़ाना नहीं हफ़्ते में दो बार तो ब्लीच डालती हूँ तो उससे ये टाइलें इतनी साफ़ सुथरी चमकती हैं और कुछ जो ये निशान है ना ये कहीं कहीं ये जब कारपेंटर वगैरह काम कर रहे थे तो बे से करने में कोई टाइल पे से थोड़ा सा जैसे नहीं ऊपर से उसकी शाइनिंग उतर जाती ये वो है आपको पता है हर चीज़ में मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि क्लीनिंग के मामले में हर चीज़ में मेरी तो अभी मैं वीडियोज़ बनाने लगी हूँ लेकिन पहले से मेरा यही था कि मैं बच्चों पर और घर पर मेरी बहुत तोज्जो होती थी और अब भी इसी तरह ही है और उसमें आप लोग भी शामिल हो गए हो तो बस इसी तरह ही आपसे बातें करते करते मेरा सारा काम फिनिश हो गया है क्योंकि मेरी अभी हाउसल पर तो आई नहीं आंटी दूसरे तीसरे दिन फ़ोन करती हैं कि आपने किसी को रखा तो नहीं है लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता आप लोगों से बातें करते करते काम हो जाता है पता ही नहीं चलता और बच्चे भी हेल्प करते अभी देखे मेरा किचन नीट एंड क्लीन हो गया है बच्चों ने अपने रूम सेट कर लिए हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ पूरा घर आपसे बातें करते करते बिल्कुल सेट हो गया है अब ये देखें लाउंज भी मेरा कितना नीट एंड क्लीन हो गया है बिल्कुल साफ सुथरा ज़्यादातर इसी तरह ही रहता है बच्चे बिल्कुल भी नहीं आ कभी बैठते हैं वैसे करें तो हो जाता है फिर उसको सीमेंट लेते हैं ये देख ले बच्चियों का रूम भी कितना नीट एंड क्लीन है तो अब बच्चों को शुरू से ही मैंने पहले भी बताया आदत है वो खुद ही अपना रूम समेट लेते हैं ये स्टडी टेबल की चेयर इसलिए ऊपर रख दी जाती हैं ताकि पोचा लगाने में आसानी हो और नीचे से अच्छे से क्लीनिंग हो जाए और उसके बाद मेरा बेडरूम भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया उसकी भी सारी क्लीनिंग हो गई है तो इसी तरह ही बस हम हमारा रूटीन है जब हाउस हेल्प पर आ जाती तब भी मैं लगी रहती हूँ अब मैं बना लेती हूँ एक यमी सी रेसिपी जो मेरी बहनों की बहुत रिक्वेस्ट थी कि लंच में चाहिए बच्चों के हिसाब की चाहिए और उसी हिसाब से मैं आपको क्योंकि बच्चे ज़्यादातर भिंडी खा लेते हैं तो मैं भिंडी फ्राई इस तरह की बना के आपको दे रही हूँ कि आप सफ़र में भी ले सकते हो ऑफिसिस में भी ले जा सकते हैं और बच्चे भी बहुत शौक से खाएँगे तो आपने इसको तीन डेढ़ पाव भिंडी में तीन मीडियम प्याज लेनी और लंबे बे काट लेना उसके बाद आपने एक आलू जरूर लेना है क्योंकि आलू से बच्चे खींचते हर डिश की तरफ तो एक आलू आपने ले लेना है और आलू ये गर्मियों की वजह से इतने थोड़े थोड़े ख़राब भी आ रहे हैं उसको भी आपने पतला पतला चॉप कर लेना है जैसे आप लोग वैसे भी भुजिया बनाने के लिए करते हैं उस तरह आपने चॉप कर लेना है और इतनी ये टेस्टी और मज़े की है ख़ास कर ये तो जब कोई मेहमान आता है मैं अक्सर नाश्ते में और चीज़ों के साथ बना लेती हूँ इतनी मज़े की लगती है या कभी दाल बनाऊँ तो उसके साथ ये मैं थोड़ी सी भुजिया टाइप बना लेती हूँ मैं तो अक्सर सफ़र पे जाऊँ ना चिकन के भी कुछ आइटम बनाती हूँ साथ इस तरह की भी चीज़ें बना लेती हूँ और उसके बाद इसमें लाल मिर्च तो डलेगी नहीं है ग्रीन मिर्च डलेगी चार डेढ़ पाव में आपने चार हरी मिर्चें डाली जिनकी छोटी हो तो वो थोड़ी ही एक दो ज़्यादा ले लें या ज़्यादा उनको मिर्चें पसंद हो तो वो ज़्यादा ले लें तो मैं आपको पता है स्पाइसेस अपने बच्चों को कम देती हूँ कभी कभी कोई ख़ास डिशों में करती हूँ और या हम बाहर से जब खाना खाए तो उसमें होती फिर बच्चों की सेहत के साथ ना बैलेंस रहता है अगर हम अब घर में हर रोज़ाना स्पाइसी चीज़ें खाएंगे ना तो बच्चों के मैदे सही नहीं रहते फिर फिर यही दानों की शिकायत बाल अच्छे नहीं हैं अब ये देखें भिंडी भी कट हो गई है प्याज भी और आलू भी और ये अदरक है लहसन नहीं है इसमें अदरक है अब मैं इसको ऑयल में थोड़े से ऑयल में मैंने अदरक को थोड़ा सा फ्राई करना है फ्राई करने के बाद मैंने इसमें प्याज डाल लेने जब मैं देखूँगी थोड़े से प्याज और फ्राई हो जाएंगे अभी मैं प्याज़ों को फ्राई होने रख देती हूँ और दूसरी तरफ मैं एक कढ़ाई में भिंडी भी फ्राई होने के लिए डालती हूँ भिंडी और आलू पहले मैं आलू डालूँगी क्योंकि आलू हार्ड होते हैं अब मैंने दोनों कढ़ाइयों में इस तरह थोड़ा थोड़ा ऑयल डाला है कि बैलेंस ऑयल का रह जाए ज़्यादा ना ऑयल हो जाए जब मैं देखूँगी ना कि ऑयल ये जो आलू हैं थोड़े थोड़े मतलब गल गए ना फिर मैं इसमें भिंडी ऐड करूँगी वो भी आप देख देखते जाइएगा इसको अलग से फ्राई करने का जो टेस्ट है ना वो अलग ही है अभी देखिए आलू फ्राई हो गए अब इसमें मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं और ये भिंडी भी दोनों चीज़ें कट्ठी साथ डाल रही हूँ हरी मिर्ची और भिंडी अब मैं इसको ना थोड़ा सा तीन से चार मिनट इसी तरह तेज़ आठ पर फ्राई करूँगी और इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी इतना कि भिंडी और आलूओं के हिसाब का हो और ये अंदर से जैसे पीके पीके ना हो इस तरह मैं इनको फ्राई कर दूँगी और दूसरी तरफ मैं देखूँगी कि मेरे जो अदरक और प्याज़ है वो फ्राई हो गए तो उसमें मैं एक चम्मच रायते वाला भर के बेसन का डालूंगी सूखे बेसन का आपके पास अगर ये रायता स्पून ना हो तो आप टेबल स्पून टू डाल दें यानी जिससे हम चावल खाते हैं ना वो और उसके बाद हल्दी डाल देंगे और उसके बाद टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दें अब हमने इसको तेज़ आंच पे और तेज़ चलाते रहना है चमचा इतना कि ये बेसन की आपको खुद ब खुद खुशबू आने लगेगी जब खुशबू आने लगे तो फिर हमारी दूसरी तरफ़ देखे मैं चेक कर रही हूँ भिंडी और आलू भी फ्राई हो जाए तो वो भी अलग फ्राई हो रहे हैं और अगर मैं इस तरह किट्ठे ही करती ना तो वो टेस्ट नहीं आता इसका टेस्ट इस तरह अलग अलग फ्राई करने में अब ये मैंने देखो अच्छे से मेरा बेसन भुन चुका है और इसमें से बहुत ही प्यारी स्मेल भी आ रही है और प्याज भी देखे साथ साथ है जैसे हलीम के साथ खाते हैं इस टाइप की और है इनको हमने जलाना नहीं है और ना ही ज़्यादा बेसन भी नहीं जल रहा और वो भी अब हमारी भिंडी तकरीबन फ्राई होने के करीब आ गई है जितनी हमें चाहिए थी तो वो अब मैंने कर ली और प्याज भी देखें कितनी प्यारी शक्ल के हो गए अब मैं इसमें ये देखें भिंडी और आलू दोनों इसमें डाल लूँगी और आप ऑयल देख लें मैंने दोनों के हिसाब का डाला था ऑयल कोई ज़्यादा नहीं है आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है और चम्मच हिलाते रहना मैं जब इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ ना तो मैं किचन से बिल्कुल नहीं निकलती और खड़ी रहती हूँ जब तक वो चीज़ कम्प्लीट तैयार नहीं हो जाती अब इसको हमने सिर्फ और सिर्फ़ एक से दो मिनट दम देना है क्योंकि जो हर चीज़ का बेसन का और हर चीज़ का फ्लेवर आपस में मिक्स हो जाए तो हम हमने सिर्फ़ इसको बिल्कुल हल्की आंच में एक से दो मिनट हमने दम देना है और दम देने के बाद जब हम इसे उठाएंगे तो आप देखें कि कितनी मज़ेदार ये देखें यमी सी भुजिया बन के तैयार है कोई प्याज नहीं जला बस हर चीज़ क्रिस्पी सी हो गई आलू भी हो गए भाई उसके बाद ये देखें मज़ेदार सा खाना पहला मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए आप ये राइस के साथ खाएं तब भी बहुत मज़े का है चपाती के साथ खाएँ तब भी बहुत मज़े का है मैं इसी तरह अपने बच्चों को वेजिटेबल अलग अलग तरीक़ों से बना के खिलाती हूँ वो इतनी शौक से खाते और कोई नखरा भी नहीं करते और उसके बाद हम लोग चले गए थे स्टेशन सीटें करवाने के लिए क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया मेरी आप ही आई हुई हैं तो उन्होंने वापस ईद पर अपने घर जाना है तो सीटें पहले से बुक हों तो सही रहता है और वो ट्रेन में कंफर्टेबल होती हैं तो अब देखते हैं कि सीटें मिल जाएँ क्योंकि आठ दस दिन पहले ही सीटें करवाओ ना तो फिर सीटें मिल जाती है वरना बुकिंग फुल हो जाती है और बहुत मुश्किल हो जाती है सीटें और ड्राइवर में भी इतना रश हो जाता है अब देखते हैं लेकिन हम लोग बस मैं गाड़ी इसलिए नहीं लेकर गई क्योंकि जो कराची से उनको पता है डिग रोड तो पर वापस टर्न का बहुत मुश्किल हो जाती है तो इसलिए मैं ऑटो में गई थी लेकिन वहाँ इतना रश था बुकिंग का और इतना रश था कि बस जब इतनी देर के बाद मेरी बारी आई तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको सीटें है ही नहीं नवाबशाह के लिए अगर सीट मिल भी रही थी तो ईद से एक दिन पहले की मिल रही थी तो वो सही नहीं था तो अभी ये देखें मैंने कहा अपने बेटे को मैंने कहा थोड़ा सा व्यू मेरे व्यूअर्स को दिखाओ कि देखे देखने में बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा लेकिन इतनी चिलचिलाती धूप थी कि खड़ा होना मुश्किल था इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई कि मुझे बुखार भी रात को हो गया था तो इतनी गर्मी थी फिर हम बस वापस आ गए अब देखते हैं डाइवा में किस तरह जाया जाएगा डाइवा भी बहुत अच्छी हैं फिर रात को कोई हिम्मत नहीं थी मेरी खाना बनाने की तो हमने रेडी मेड और जरता मंगाया साथ ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक मंगवाई जिससे हमने इंजॉय किया तो इस ब्लाग की मैं एंडिंग करती हूँ अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे आबाद रखे आमीन अल्लाह